देखिए ये है यमेश्वर मंदिर 13वीं शताब्दी का। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं सुकांत सरंगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रैवल विद सुकांत सरंगी। जैसे कि आप जानते हैं मैं भुवनेश्वर का वेरियस टूरिस्ट पर एक्सप्लोर में निकला हूं। तो आज मैं पहुंचा हूं यमेश्वर मंदिर। तो ये एक शिव मंदिर है, कहा जाता है जो मृत्यु के देवता यम हैं वो इस शिवलिंग को पूजा करते थे, इसीलिए इसका नाम यमेश्वर शिव मंदिर है। ये 13वीं से 14वीं शताब्दी का मंदिर है। चलिए आइए, आप भी मेरे साथ इस मंदिर के मज़े लेते हैं और दर्शन करते हैं। ये देखिए आपके सामने में जो है वो है यमेश्वर शिव मंदिर। ये अभी भी ASI के कंट्रोल में है, प्रिजर्वेशन में। देख सकते हैं लोहे का लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए। और आपके सामने ये जो दिख रहे हैं ये है यमेश्वर शिव मंदिर। चलिए आइए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। चलिए अभी मंदिर के अंदर चलते हैं। ये है यमेश्वर मंदिर। ये देखिए हम लोग आ गए हैं यमेश्वर मंदिर के। नक्काशी देख लीजिए कैसा है। चारों तरफ देख लीजिए नवग्रह की मूर्तियां। कुछ देवियों के भी मूर्ति हैं प्राचीन पुराने। मंदिर के सामने देख सकते हैं इतना ऊंचा गरुड़ स्तंभ टाइप का जो पूरी मंदिर में रहता है वैसा ही स्तंभ है, और उसके ऊपर वृषभ का मूर्ति है। और आसपास भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। ये एक देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। उधर देखिए, उधर एक तो टूट गया है, ये तो अंदर में है, देख सकते हैं। ये देखिए कितना नीचे में है। ये देखिए, तो ऐसे अलग अलग मंदिरें हैं। ये देखिए यमेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये देखिए ये है यमेश्वर शिव मंदिर और उसके चारों तरफ का सराउंडिंग। बहुत ही कम लोग इस मंदिर को जानते हैं और आते हैं। अभी मैं आपको मंदिर का एक टूर दिखाता हूँ पूरा राउंड। बाहर में एक शिवलिंग का स्थापन, ऐसा ही परशुरामेश्वर मंदिर में भी आप देखने को मिला था। हर एक एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मंदिर का चारों तरफ का व्यू। बहुत ही प्राचीन 13वीं शताब्दी का मंदिर है। ये देखिए ऊपर से नीचे तक कारीगरी से भरपूर
भरमार, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। इतना माहिन कारीगरी कुछ ही उड़ीसा के मंदिरों में अभी भी बचा हुआ है, उसमें से ये एक यमेश्वर मंदिर भी है। देखिए कितना बेहतरीन कारीगरी किया गया था उस टाइम में, देख पा रहे हैं, अत्यंत उच्च कोटि का कलिंगा आर्किटेक्चर है ये सब। ये देखिए किस तरह की माहिन कारीगरी किया गया था, देख पा रहे हैं, देखिए ये बेस में कारीगरी किया गया है, देखिए कितना माहिन कारीगरी किया गया है, देख पा रहे हैं, एकदम बेहतरीन कारीगरी, कलिंगा आर्किटेक्चर का एक अद्भुत अनुपम नज़ारा। क्या कारीगरी किया गया है, बहुत कुछ मिट गया है, बहुत कुछ है, लेकिन जो भी है वो देखने लायक है। देखिए क्या सुंदर मस्त कारीगरी किया गया है, एकदम अद्भुत। एक तरफ से देखिए कुछ कुछ जगह प्लेन पत्थर है जो एएसआई वालों ने अभी लगाया है, देखिए क्या कारीगरी है, देख रहे हैं, देखिए देखने लायक कारीगरी जिसको बोल सकते हैं। बहुत ही कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं। देख रहे हैं क्या माहिन कारीगरी है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं। मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं यमेश्वर मंदिर का बेहतरीन कारीगरी। ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का मंदिर है, ज़्यादातर लोग इसको जानते नहीं है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, शिव जी को समर्पित है। अगर आप भी भुवनेश्वर आते हैं इस मंदिर को घूमना मत भूलिएगा, ये ओल्ड टाउन भुवनेश्वर में है। ठीक है, फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।